सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं स्कूल में जा रही हूँ अभी स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो पहले निकलेगी प्रभात फेरी, उसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा और फिर कई सारे कार्यक्रमों के साथ हम अपने आज़ादी के इस महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। अपने प्रशासन समिति को बुलाएंगे, वही यहाँ पे आपके नारों की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। नारों की प्रैक्टिस करने के बाद प्रभात फेरी निकलेगी। अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ का हमने पहने, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहने, वो हथियारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गली गली में नारा है, दौड़ो मेरे बच्चों। शिशु मंदिर के बच्चों की और इधर से हमारी रैली जा रही है हमारे स्कूल की। प्राइमरी के बच्चे भी हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, नमस्कार। मार्केट से वापस लौटते हुए प्रभात फेरी और हमारी शिक्षिका साथी साथ में चल रहे हैं। नारों के साथ प्रभात फेरी गूंज रही है। भजन माताएं बैठी हैं हमारे विद्यालय की और इधर आर्क बना के खड़े हो रहे हैं बच्चे। ध्वजारोहण किया जाएगा। यहाँ पर 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे आजादी का 77वां वर्ष आज से शुरू होने जा रहा है। 77वीं वर्ष बाद में झंडे ऐसे लहराएं कि हवाएं झंडे को चूम चूम ले। झंडे विश्व तिरंगा परेशान न जाने विजय करके दिखलाओ सिपाही।
रखना। टेंट और स्टेज की तैयारी होने लग गई है। आओ इस चिन्मय ज्योति के साथ हम सब एक हो जाए ताकि सबके भीतर का अंधकार मिट जाए। सरस्वती माँ सरस्वती हर स्वागत है सैनिक जो देश की सीमाओं पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से उन सबका अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र कुंदन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर हैं। विशेष ताली बजा। देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। किस काम की आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। गीत बोलूं पाको 12 मासा के लिए कक्षा 8 की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कर में रखवाली करता पर्वत राज विराज है, दक्षिण में चंद्रों को धोता सागर का सम्राट है। खड़ी बैचुनरी अटाली रे मरदगरा ठुमका लगा। सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। बंधु हमारे पूर्वजों ने गुलामी के कालखंड को देखा, संघर्ष किया, लेकिन अपने त्याग बलिदान और अनुपम शौर्य के कारण से यह दिन हमको देखने के लिए मिला है। हम लोग कुछ कार्यक्रम कर लें, मिठाइयां बांट लें, भाषणबाजी कर लें, इसको ही इस कार्यक्रम को न समझकर इसके पीछे अनगिनत बलिदानियों का बलिदान। इस आजादी को अक्षुण रखना यह हम सबका कर्तव्य है। ये कैसे होगा, जब हम अपना कार्य करेंगे, अपना कार्य मतलब हम जो हैं, हम किसान हैं, खेती ईमानदारी से करें, हम छात्र हैं पढ़ाई ईमानदारी से करें, हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं उसको अपना इष्ट मानकर उसको अपना कार्य करें, व्यापारी लोग हैं अपने व्यापार को अच्छा और कम मुनाफे में अच्छी सुविधा हम समाज को दें, ऐसा हमारे देश के शासन प्रशासन पर बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदारी से काम करें तो निश्चित ही हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए हम सब लोग प्राणपण से जुड़ जाए। तो उससे पहले हमारा जो कार्य आपको बताया दिया है, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। Oh my god.
नाही से 105 रुपए, श्री दयाराम जी 50 रुपए, श्री त्रिलोक सिंह नयाल जी 110 रुपए, श्री नंदन सिंह नयाल जी 60 रुपए, श्री दुर्गा सिंह जी 100 रुपए, श्री पूरन सिंह जी और श्री डॉक्टर श्री खड़क सिंह जी द्वारा 25 रुपए, श्री सुभाष सिंह नयाल जी सन ऑफ श्री तेज सिंह नयाल जी के द्वारा 50 रुपए, श्री राम सिंह नयाल जी के द्वारा 25 रुपए, श्री दीवान सिंह नयाल जी 110 रुपए, श्री मोहन सिंह नयाल जी सिरसा 100 रुपए, श्री प्रीतम सिंह सन ऑफ श्री खीम सिंह चकदलार से 50 रुपए, श्री भोपाल सिंह सन ऑफ श्री बिशन सिंह चकदलार से 50 रुपए, श्री रामलाल जी सन ऑफ श्री प्रेमलाल जी 50 रुपए, श्री नारायण सिंह बिस जी 500 रुपए, श्री गिरीश चंद जी 251 रुपए, श्रीमती पुलि देवी जो हमारे विद्यालय में भोजन माता के रूप में कार्यरत है 101 रुपए, श्री कुंदन सिंह नयाल जी पूर्व अध्यक्ष 100 रुपए, श्री मोहन सिंह नयाल जी आपने हमारा नमक का टैक्स 20 गुना क्यों बढ़ाया? हे पुअर इंडियन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब तुम हमको बताएगा कि हम कितना टैक्स लगाए? सरकार आप तो गलत समझ गए। हे पुअर इंडियन, अब तुम हमको बताएगा कि क्या करे क्या नहीं? पहले मैंने 2 गुना टैक्स बढ़ाया था, अब मैं 20 गुना टैक्स बढ़ाऊंगा, तुम्हें 20 गुना टैक्स देना पड़ेगा। इतना जुल्म मत कीजिए सरकार, हम 20 गुना टैक्स कैसे दे पाएंगे? हे सैनिक, इन्हें धक्का मार के बाहर कीजिए सरकार, रहम। काम बच्चे। बापूजी, अंग्रेज ने नमक का टैक्स 20 गुना बढ़ा दिया है, जिस कारण हम लोग आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने जो जो भी किया वह सही नहीं किया। मैं नमक के नमक आंदोलन भंग करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमक आंदोलन भंग कर रहे हैं, जाओ साबरमती नदी के तट को सील कर दो। अरे इतने सारे अंग्रेज सैनिक, मैं अंग्रेज सैनिकों को 2 मिनट में खदेड़ दूंगा। गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया है। उन इंडियंस की इतनी हिम्मत, मैं उनको इतनी जल्दी अपने खिलाफ नहीं जाने दूंगा। अब मैं डिवाइडर रूल लेके आऊंगा। जिन्ना, तुम गांधी जी के पास जाओ और एक अलग सरकार की मांग करो। अगर हिंदुओं का राज आ गया तो तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जाओ और बात करो। यस सर। राम बापू जी प्रणाम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आपके लोग, मुझे अपने लोगों के लिए अलग सरकार चाहिए। क्यों? अगर हिंदुओं का राज आ गया तो मुसलमानों का क्या होगा? नहीं गांधी जी, हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। अगर देश का बंटवारा नहीं होगा तो मैं दंगे फसाद करवा दूंगा। आजादी के कुछ साल बाद और इस आजादी को हिंसा से नहीं अहिंसा से जीता, अहिंसा से लिया। अहिंसा से 47 में हमको आजादी प्राप्त हुई, स्वर्गीय बाबूजी के मार्गदर्शन पर, उनके साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। सारे क्षेत्र में, हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। मेरा देश मेरी माटी, सभी लोगों को विदित है इस कार्यक्रम के बारे में।
इस कार्यक्रम को क्यों मनाया गया है? आजादी दिलाने वाले इस दिन को प्राप्त करने के लिए उन बलिदानियों ने अपनी आहुति दी थी, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। इस आजादी के दिन को देखी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम रघुपति। 27th इंडिपेंडेंस डे टुडे, एज वी ऑल नो दैट इट वाज ऑन दिस फेथफुल डे इन 1947 that we gained independence thanks to the freedom. It's a significant day in the history of India, but we must also remember those who and sacrificed their lives to make us live this day. We cannot imagine by sitting here that how hard the independence was for Bhagat Singh, Khudiram Bose and Chandrasekhar Azad, who had lost their lives in their early is just for fighting for their country. How can we ignore all the struggles of our so long? मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो चलो देखो। जी हाँ, मैं व्हाट्सएप, आप लोग मुझे जानते ही होंगे, इस पूरी दुनिया में मेरा ही तो जाल है, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सब मेरे दीवाने हैं। गूगल गूगल मेरा नाम, मैं वह भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता, फेक वर्ड का बादशाह हूँ मैं। कहते हैं मेरे साथ का अभिनेता खिलाड़ी, मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने पूरी दुनिया को पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको उसको और इसको भी। आप सभी मुझे तो जानते ही होंगे, ये सोशल मीडिया का दौर मुझसे ही तो शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया हमारे इशारों में नाचेगी। तो चलो देखो, कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? समझाया तो था परंतु मैं भूल गया। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम अपने पापा के पास जाओ। पापा पापा मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम गेटिंग टू लेट, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस से आके पढ़ा दूंगा। ओके, मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का भी काम है, तुम अपनी मम्मी के पास चले जाओ। मम्मा मम्मा मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? ओके बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, वही आती हूँ मैं। चलो तब तक मैं फोन चला लेता हूँ। देखो एक और नया शिकार, मेरा नया शिकार, तुम मेरे पास आओ, ये मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। बेटा क्या हुआ अचानक से? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हेलो डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, आप जल्दी आइए। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की यह हालत हो गई है, इसको इसको अपने रियल फ्रेंड के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, इसे मोटिवेट कीजिए। ओके डॉक्टर थैंक यू। लोग अपने रिश्तों के बजाय सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं, जिन रिश्तों से हमें खुशियां मिलती है उन्हें भूलकर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। आप फोन दोगे प्लीज? बेटा मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी प्रोजेक्ट बनाने में। थैंक यू के बोर्ड परीक्षा।
इसके अलावा हमारे इंटरमीडिएट की कक्षाओं में 45 छात्र छात्राएं थी, जिनमें से 21 बच्चे ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये सारे बच्चे और सभी जो पास हुए बच्चे उन ये वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने विद्यालय के की ओर से उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोग छोटा सा एक पारितोषिक प्रदान करेंगे। तो मैं हमारे जो हमारे विद्यालय में टॉपर रहा है मोहित, 76.40% अंक के लिए प्रथम स्थान पर रहा। हेलो, हाँ भैया पहुंचे। लोगो देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा है बदन हमें जानती है और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। अंग्रेजों का शासन था,
और उन्होंने यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था के लिए अंग्रेजों में एक चर्चिल थे तो उनको उन्होंने नियुक्त किया था। तो उस समय विकास कार्यों में जो आप सुनते हैं कि आज 5 लाख रुपया विद्यालय को दे दिए, उसमें 40% कटौती हो गई है। जी चले गए, अपने शब्द को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षकगण, बाहर से आए हुए अभिभावक और मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस 77वां स्वतंत्रता दिवस पर मैं कुछ एक छोटा सा नाटक करना चाहता हूँ जो इस प्रकार होगा। नेताजी जिंदाबाद, 1 2 3 4। नेताजी जिंदाबाद, 1 2 3 4। नेताजी जिंदाबाद, 1 2 3 4। नेताजी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं इंडिकेटर छू नहीं नेताजी, इंडिकेटर नहीं, असिस्टेंट हूँ मैं। मुझे पता है भाई। भाइयों बहनों, ये दोनों मेरे बॉडीगार्डर हैं। नहीं नेताजी, बॉडीगार्डर नहीं है ये। अबे शाली नेता, तू है मैं। अरे मालिक जी, आप हो नेताजी? मुझे पता है। आइए नेताजी, स्थान ग्रहण कीजिए। अबे मेरी चार भाई कहाँ है? नेताजी, स्टूडियो में चार भाई नहीं, चेयर होती है। ये चेयर क्या होती है भाई? अरे नेताजी, छोटी वाली चार भाई। अच्छा। जो मर क्यों नेताजी, हमारे स्टूडियो वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये इंटरव्यू क्या होता है? अरे सवाल और जवाब यार नेताजी। मुझे पता था वो पहले से। तो बताइए नेताजी, आपका जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में शायद। मेरा मतलब है कौन से इलाके में? इलाका तो कुत्तों का होता है। हम आपसे जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये जनरल नॉलेज क्या होता है? अरे सामान्य ज्ञान नेताजी। अच्छा, वो तो मेरे को बचपन से ही पता था। ये बताओ, चांद पर पहला कदम किसने रखा? अमेज़न ने। नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग ने रखा था। हाँ हाँ, आर्मस्ट्रांग ने। ये बताओ फिर, दूसरा कदम किसने रखा था? वो वहाँ लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था, दूसरा कदम भी अमेज़न ने ही रखा था। अच्छा नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? हमारी गवर्नमेंट तो राम भरोसे चल रही है जी। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? हाँ, सारा काम तो करता है, मैं तो खाली अंगूठा लगाने जाता हूँ। डेमोक्रेसियों के बारे में आपके क्या उद्देश्य है? ये डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रजातंत्र माल नेताजी। अच्छा, प्रजातंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी। जनता के बारे में आपके क्या ख्याल है? जनता के बारे में हमारे यह ख्याल है कि अगली बार हमने जनता को 4 कंबल मुफ्त में दिए थे। जनता को? जनता को नहीं, उनकी गाय पशु को। अच्छा नेताजी, वोट तो जनता ने से लिया और कंबल पशुओं को क्यों दिया? अगर हम पशुओं को कंबल नहीं देते तो ठंड से मर जाते और हम दूध किनका पीते? पिछले साल गांव में आग लगी तो आपने क्या किया? पिछले साल जब गांव में आग लगी तो जब जो पशु मरे थे उनको तो हमने अस्पताल पहुंचा दिया, जो जिंदा थे उनको हमने शमशान घाट पहुंचा दिया। तो मुजाफा क्या दिया? मुजाफा जो मरे थे उनको 10 रुपए का, जो जिंदा थे उनको 50 रुपए का। नेताजी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा जूता है, जूता। हाँ रखिए। नहीं रख, हाँ रखते हैं, सॉरी। नेताजी, आपका जनता के लिए क्या उद्देश्य है? जनता के लिए यह उद्देश्य है कि भारी मतों से विजय बनाए, जो कॉफी से ना मांगे उन्हें दारू पिलाए। अच्छा नेताजी, आपका अपने देश के प्रति क्या विचार है? अपने प्रति, देश के प्रति ये विचार है कि जन जन की यही पुकार, अंतर नेता अब की बार। नेताजी, आप कौन से पार्टी से हैं? ये पार्टी क्या होती है? अरे जो दिल्ली में एक हफ्ते पहले पार्टी रह रहा है नेताजी। अच्छा, दिल्ली वाली पार्टी ना। अबे नेता, अनपढ़ नेता, निकल मेरे स्टूडियो से। तुझे धन्यवाद। अशिक्षित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे वह हमारे लोकतंत्र का स्वरूप बिगाड़ सकते हैं। हमें ऐसे शिक्षित और लोकतंत्र के ज्ञानी को ही, हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी। उदास
हो उदास प्यारी दी घर ओला पिटे मिठू पाठ पढ़ती तू मेरा नमक प्यारी पाठ पढ़ती अपनो पहाड़ा पेट है माने जानू छोड़ दे रंगो पहाड़ा पहाड़ा तो डंडो पानी कतुमारो मानी माँ अपनो पहाड़ा आवाज कम आ रही है आज की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि दिल्ली के लाल किले तक आपकी आवाज पहुंचे। अब हो सकता है यहाँ से दिल्ली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे अभिभावक घर से नहीं आ पाए हैं उन तक तो आपकी आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। बोले भारत माता की, राष्ट्रीय झंडे की, पूज्य बापू जी की। बिल्कुल नहीं। क्या डेढ़ गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई? बिल्कुल नहीं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आजादी यूं ही हमको नहीं मिली है। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो। कभी गजान गरीब खूट में पैदन करते जान गरी आज सभी भारत है। हमें ब्रिटिश शासन से आजादी ऐसी नहीं मिली है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से एक दिन में एक बीमारी करी बच्चों ने, तो देखा आप लोगों ने बच्चे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। इसमें हमारा पूरा स्टाफ शिक्षक शिक्षिका सब बधाई के पात्र है। एक दिन के एक दिन का जो समय मिला उसी के बीच हमने तैयारी करी और ये देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, उन्होंने जो है पूरा सहयोग दिया।
मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।